हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई श्री में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, जो आपका एग्जाम दिसंबर 2018 में संपन्न हुआ है, 1953 पोस्ट के संबंध में, उसके संबंध में एक कट ऑफ लेकर के आए हैं, जो अब तक का सबसे बेस्ट कट ऑफ आपके लिए होगा। अगर मित्रों वास्तव में आपके इतने नंबर हैं तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए अगले प्रोसेस के लिए। आपको किसी तरह का कोई फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है, आप DB टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। हम पूरी जानकारी आपको इस कट ऑफ के संबंध में देंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, हम आप तक आसानी से और सबसे तेज पहुँचा सकें। तो मित्रों, लेते हैं खबर हम, जो आपको 2018 वीडियो भर्ती 1953 पोस्ट के लिए है, कि आखिरकार इसके संबंध में सबसे बेस्ट कट ऑफ क्या हो सकती है। तो वो सबसे बेस्ट कट ऑफ जो है, विभिन्न प्रकार के जो विश्लेषण करने के बाद हम मैं लेकर के आया हूँ। तो पहले मैं देख लेता हूँ 2016 के बेस पर हम ये कट ऑफ के संबंध में आपको बताएंगे कि 2016 का कट ऑफ कितना गया था। तो चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं खबर इसके संबंध में बारी बारी से। मित्रों, अगर हम 2016 की कट ऑफ की बात कर लें, तो पहले हमें एग्ज़ाम के ऊपर बात करनी होगी। तो 2016 में जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें रिटर्न आपका कितना हुआ था? 80 मार्क का, है ना? रिटर्न जो आपका 80 मार्क का हुआ था, और प्लस आपके 20 मार्क के क्या थे? इंटरव्यू थे। टोटल 100 मार्क थे, यही सही है ना? जी हाँ, 20 रिटर्न थे आपके, और जो है सॉरी 80 आपके रिटर्न थे और 20 इंटरव्यू के थे। टोटल 100 मार्क का था आपका। और कट ऑफ कितना गया था रिटर्न का? जैसा कि सबसे बड़ी चीज़ जो है उसमें 2016 के वैकेंसी में आपका क्या था, उसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं थी, है ना? सबसे बड़ी चीज़ जो है कि उसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं थी। और 2018 की वैकेंसी की बात कर लें, तो उसमें माइनस मार्किंग की थी, है ना? माइनस मार्किंग आपकी थी, और माइनस मार्किंग थी ही नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त माइनस मार्किंग आपकी थी, 50%, है ना? अगर आपके दो क्वेश्चन गलत होते हैं तो साथ में एक क्वेश्चन जाएगा। शायद ही किसी एग्ज़ाम में इतना लंबा कट ऑफ होता है, तो इतना लंबा आपका माइनस मार्किंग होता है, जितना UP SSC ने अब एग्ज़ामों में कर दिया है। 1.5 आपका माइनस मार्किंग कर दिया है UP SSC ने। तो मित्रों, चलिए बात कर लेते हैं 2016 का कट ऑफ के संबंध में पहले हम। तो मित्रों, आपकी स्क्रीन पर है ये 2016 का कट ऑफ, है ना? जो आपका वीडियो का था, 2016 का पूरा पूरा कट ऑफ ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो 2016 की अगर बात कर लिया जाए मित्रों, तो अनरिजर्व के लिए देख सकते हैं आप कितना कट ऑफ था। डेट ऑफ बर्थ आप ये मत ध्यान दीजिएगा, ये 30-40 ईयर का संबंध है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। तो अगर हम अनरिजर्व बात कर लें जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपका रिटर्न अगर हम बात कर लें 66 गया था कट ऑफ, है ना? रिटर्न का 66 गया था 80 में से, विदाउट माइनस मार्किंग। अगर मान लेते हैं माइनस मार्किंग होती 1.5, तो यही कट ऑफ आपका पहुंच जाता 50 के आसपास, श्योर था 50 के आसपास पहुंच जाता। खैर छोड़िए, उसमें जब कट ऑफ माइनस मार्किंग थी ही नहीं, उसकी बात ही करने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, अगर हम अनरिजल्ट की बात कर लें, तो उसमें 66 रिटर्न का गया था, और प्लस 12 अगर हम इंटरव्यू को जोड़ लें, तो टोटल आपका जो फाइनल कट ऑफ गया था 78 गया था, 78 जनरल का 78 कट ऑफ गया था। OBC की बात कर लें जो, तो उनका जो रिटर्न का गया था 67, और प्लस 10 नंबर अगर हम इंटरव्यू का उसमें जोड़ लेते हैं 77, है ना? 77 नंबर गया था OBC का। और SC कैटेगरी का देख सकते हैं आप, 58 रिटर्न गया था, टोटल मिला करके 70 गया था फाइनल कट ऑफ, जो वीडियो 2016 का था। अगर हम ST कैंडिडेट की बात कर लें, तो 57 यानी ये 57 कट ऑफ आपका गया था 2016 में। अब हम बात कर लेते हैं वोमन कैंडिडेट के संबंध में, जो हमारी वीमेन कैंडिडेट थी उनका कट ऑफ जो गया था, आप देख सकते हैं 64 गया था, है ना? कितना? 64, 54 उनका रिटर्न में था, और 10 नंबर इंटरव्यू को जोड़ दिया जाए तो लास्ट कट ऑफ जो उनकी तैयार की गई थी वो 64, 2016 वीडियो के संबंध में, ये 2016 के संबंध में है ना? अगर हम बात कर लें वहीं फ्रीडम फाइटर की, तो फ्रीडम फाइटर की बात कर लें तो कितना गया था? 65 गया था, है ना?
और जो फिजिकल डिसेबिलिटी की बात के लिए जाए, जो विकलांग हमारे कैंडिडेट थे, दिव्यांग थे, उनका गया था कितना, 72 गया था। यस सर्विस मैन का आप देख सकते हैं 34 नंबर कट ऑफ आपका गया था। आप अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो आपका 2018 की कट ऑफ की बात करते हैं। तो 2018 जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके 150 क्वेश्चन थे रिटर्न में, है ना। 2016 में आपके 80 थे और 2018 में 150, 150 मार्क के आपके रिटर्न थे और माइनस मार्किंग 1/2 जैसा कि हमने आपको बताया। तो मित्रों इसके बेस पर अगर हम बात कर लें तो जो हमने कट ऑफ तैयार किया है 2018 वीडियो एग्ज़ाम के संबंध में, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट कट ऑफ है। निश्चित ही आपको ये कट ऑफ अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल एक एक कहा जाए काफ़ी विश्लेषण करने के बाद तैयार किया गया है कि निश्चित ही इतना कट ऑफ वीडियो भर्ती 2018 में जाने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें ये फाइनल कट ऑफ होगा, इसके बाद आपका आपका इंटरव्यू नहीं है, है ना। तो आपका जो 150 पे ही फाइनल सिलेक्शन की बात होगी। 2016 में अगर इंटरव्यू की बात करें, रिटर्न आपका जो मामला था, तो अगर रिटर्न बेस पे ही होता तो आपका कट ऑफ अगर हम बात करें 78 गया था, तो लगभग आपका वो 80-85 के आसपास भी जाने की संभावना होती मित्रों। तो चलिए बात करते हैं इसके संबंध जो हमने कट ऑफ किए 2018 के संबंध में। तो अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात कर लेंगे मित्रों, तो जनरल कैंडिडेट का जो हमारा बनेगा 150 पे फाइनल कट ऑफ 2018 के लिए, वो आपका 210 से लेकर के 225 तक जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जो बिल्कुल एनालिसिस करके तैयार किया गया है, जो जनरल कैंडिडेट का हमारे कट ऑफ जाने वाला है, वो 210 से लेकर के 225 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ होगा। ये 100% ऑथेंटिक है। अगर आपके इस बीच में नंबर आते हैं मित्रों तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो ऐसा कुछ होने वाला खैर नहीं है, लेकिन अगर कम नंबर, मैं बता दूं आपको, इससे ज़्यादा तो जाने वाले नहीं हैं, है ना। इससे ज़्यादा आपके वीडियो कट ऑफ के जो है नहीं जाने वाले हैं 2018 के संबंध में, जो जनरल कैंडिडेट हैं, कि 2 से 10 से लेकर के 2 से 25 के बीच में इनका कट ऑफ जाने वाला है मित्रों। अगर हम ओबीसी की बात कर लें, तब अगर हम ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी का जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो आपका 189, ठीक है ना, 189 से लेकर के 199 के आसपास जाने वाली है। इस बीच में अगर आपका नंबर है तो आप बिल्कुल बेफिक्र जाइए, ठीक है ना। 189 से लेकर के 199, 189 से लेकर के अगर 199 के बीच में ओबीसी कैंडिडेट का नंबर आ रहा है वीडियो का, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ माइनस मार्किंग है मित्रों, लेकिन जो है कहीं ना कहीं कंपटीशन का स्तर 2016 से लेकर के 2018 के बीच में काफ़ी बढ़ा हुआ है और फाइनल इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू है ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो 210 से लेकर के 225 जो जाने वाली है वो जनरल कैंडिडेट की, और ओबीसी कैंडिडेट की जो है 189 से लेकर के 199 के बीच में जाने वाली है कट ऑफ मित्रों। और बात कर लें एससी का, तो एससी का जो है 175 से लेकर के मित्रों जो कट ऑफ जाने वाली है 165 से लेकर के 177 तक ये जाने वाली है कट ऑफ, है ना। जो एससी कैंडिडेट की कट ऑफ जाने वाली है वो आपकी जाने वाली है 165 से लेकर के आपका जाने वाला है कितना, 177 के बीच में, है ना। ये बड़ी कट ऑफ है। इन बीच में अगर हमारे एससी कैंडिडेट आ रहे हैं तो वो भी बिल्कुल बेफिक्र हैं कि 165 से लेकर के 177। हाँ एक बात ये भी दिमाग में चलो, तो ईडब्ल्यूएस जो मित्रों है, ईडब्ल्यूएस अभी ये आपका इस भर्ती में अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 फरवरी के बाद जो भी वैकेंसियाँ चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जारी होंगे, उसमें आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा ईडब्ल्यूएस का। इसमें ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ नहीं बनने वाला है, सीधे सीधे जनरल कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। तो अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात कर लें कि एसटी कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो 143 से लेकर के 154 के बीच में अगर इनका नंबर है तो ये भी बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इनका इतना कट ऑफ जाने वाला है ना।
एसटी कैंडिडेट के लिए 143 से लेकर के 154 के बीच में अगर है नंबर तो वो बिल्कुल बेफिक्र हैं, उनका कोई इसमें उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल उनका सिलेक्शन वीडियो में फाइनल होना सुनिश्चित है। मैं तो अगर हम वही बात कर लें महिला कैंडिडेट की, तो मैं टोटल आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। अगर इस बीच में अगर आप लोगों का नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, आपका सिलेक्शन जो है वीडियो भर्ती 2018 में निश्चित ही होगा। आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार जाइए। जैसा कि आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट के संबंध में बता दूँ, रिजल्ट जो है मित्रों आज नहीं कल तो आना ही आना है। रिजल्ट आपका जैसा कि मैंने आपको अपडेट भी किया था, अगर फर्स्ट वीक ऑफ मई नहीं आता है तो रिजल्ट आपकी पूरी पूरी संभावना है वो इलेक्शन के बाद ही आएगा। आपका जो है रिजल्ट इलेक्शन के बाद ही आएगा। अगर फर्स्ट वीक मई नहीं आता है तो आपका रिजल्ट इलेक्शन के बाद आएगा। और जैसा भी अपडेट होगा आपके लिए मैं रिजल्ट के सामने लेकर के आऊँगा। जी हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ मई के संबंध में अगर रिजल्ट आता है या नहीं आता है तो उसके संबंध में एक पूर्ण अपडेट वहाँ से बात करके मैं लेकर आऊँगा। अब मैं पूरा पूरा कटाव आपको दिखा देता हूँ, जो एकदम से आपके जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही बेस्ट कट ऑफ है ये, कि अगर इसके बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करिए। तो आप ये देख सकते हैं जो कट ऑफ है 2018 के सामने हमने तैयार किया है, तो ये आप देख सकते हैं। अनरिजल्ट के लिए 210 से 225, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 189 से लेकर के 199, और एससी कैंडिडेट के लिए 165 से लेकर के 177, और एसटी के लिए 143 से लेकर के 154 के बीच में। और वहीं बात करें अगर हम महिला कैंडिडेट की, तो महिला कैंडिडेट 155 से लेकर के 176 के बीच में अगर इनका नंबर है तो ये भी बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, है ना, 155 से लेकर के 176 नंबर, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। एक कैंडिडेट अगर इन नंबरों के बीच में आ रहा है आपका नंबर, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप अगले प्रोसेस की तैयारी करिए। तो ठीक है मित्रों, अगर कट ऑफ आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ओके, तो ठीक है, जैसा भी रिजल्ट के संबंध में अपडेट होगा मैं रिजल्ट के संबंध में अपडेट लेकर के आपके समक्ष पुनः आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।